डियर स्टूडेंट आरसीआई एजु हब बांसू की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपना चैप्टर चल रहा था 12 एल्कोहल फिनोल ईथर, उसमें हम अपने एल्कोहल निर्माण की विधियों की बात कर ली थी। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल, एल्कोहलों के भौतिक गुणधर्म। तो इसमें बात करेंगे एल्कोहलों के भौतिक गुणधर्म में क्या होता है कि जो एल्कोहल जो होता है वो क्या होता है, उदासीन अणु होता है। एल्कोहल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उदासीन अणु होते हैं। कार्बन संख्या 1 से कार्बन संख्या 11 तक के जो एल्कोहल होते हैं वो तीखी गंध वाले वाष्पशील द्रव होते हैं, एवं कार्बन संख्या 12 एवं इससे उच्चतर जो सदस्य वो मोम के समान होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं एथेनॉल जो है, इनका जो एथेनॉल है वो केंद्रीय नाड़ी जो संस्थान है उसके रूप में इसको काम में लिया जाता है। एथेनॉल जो है उसका जो प्रयोग किस में कर रहे हैं, केंद्रीय नाड़ी संस्थान के रूप में कर रहे हैं। मेथेनॉल के प्रयोग से व्यक्ति में क्या हो जाता है, अंधापन आ सकता है। एथेनॉल जो है शाखित जो एल्कोहल है, जैसे शाखित 3 डिग्री एल्कोहल है, शाखित एल्कोहलों का जो प्रयोग है वो किसके रूप में किया जाता है, सामक एवं सम्मोहक के रूप में किया जाता है, जिनका कैसा प्रभाव होता है, स्वाप। तो देखो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी में बात करते हैं एल्कोहलों की भौतिक गुणधर्म, एल्कोहलों के भौतिक गुणधर्म, एल्कोहलों के भौतिक गुणधर्म। इसमें क्या होता है कि जो एल्कोहल है वो कैसे होते हैं, उदासीन अणु होते हैं, उदासीन अणु। एल्कोहल कैसे हम होते हैं, उदासीन अणु। सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं एल्कोहल जो होते हैं C1 से C11 तक के जो एल्कोहल है वो तीखी गंध वाले वाष्पशील द्रव होते हैं। नेक्स्ट C12 वे आगे के जो सदस्य मोम के समान होते हैं। C12 वे आगे के जो सदस्य वो कैसे होते हैं, मोम के समान होते हैं। एथेनॉल जो है केंद्रीय नाड़ी संस्थान को शिथिल करता है। मेथेनॉल के सेवन से अंधापन आ सकता है, मेथेनॉल के सेवन से अंधापन हो सकता है। शाखित जो एल्कोहल है उनका प्रयोग, शाखित एल्कोहलों का प्रयोग सामक एवं सम्मोहक के रूप में किया जाता है। जिनका स्वापक प्रभाव होता है, ये है आपके एल्कोहलों के भौतिक गुणधर्म। नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में, सेकंड पॉइंट में सोल्युबिलिटी, विलायता। सोल्युबिलिटी
अविलयता क्या होता है कि निमंतर जो एल्कोहल है वो जल में क्या होते हैं, विलयशील होते हैं, क्योंकि जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। निमंतर जो एल्कोहल होते हैं वो क्या होते हैं, जल में विलयशील। उसकी वजह क्या होती है कि जो निमंतर जो एल्कोहल है वो जल के अणुओं के साथ तुरंत किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, इस कारण वो जल में क्या हो जाते हैं, विलयशील। तो देखिए यहां से निमंतर एल्कोहल या आपका एल्कोहल ROH, ये जल के अणु के साथ जैसे ही जल का अणु मिलेगा इसको HOH वापस एल्कोहल का जो अणु है वो यहां से HOR। तो निमंतर जो एल्कोहल है वो जल के अणु के साथ क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, HB हाइड्रोजन बॉन्ड निर्माण। हाइड्रोजन बॉन्ड निर्माण करने के कारण ये जल में क्या हो जाते हैं, विलयशील होते हैं। अब विलयता का जो क्रम होता है इसमें क्या होता है कि जो विलयता होती है, विलयता किसके समानुपाती होती है, पार्श्व श्रृंखला के समानुपाती होती है, पार्श्व श्रृंखला इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अणुभार। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पृष्ठीय क्षेत्र पर, पृष्ठीय क्षेत्र पर, यानी कि विलयता का जो डिसाइड करने का जो क्रम है वो क्या होता है कि जो विलयता है वो किसके समानुपाती होती है, पार्श्व श्रृंखला के समानुपाती होती है, अणुभार और पृष्ठीय क्षेत्रफल की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब यहां पे है कि जो अणुभार है, अणुभार का मान बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी का जो मान है वो क्या हो जाएगा, कम। कैसे, मैंने एग्जांपल के रूप में लिखा यहाँ पे CH3OH, पेपर में पूछ लिया आपसे एल्कोहलों की विलयता का क्रम S दे दे, एग्जांपल CH3OH है, CH3CH2OH, ऐसे आपको एग्जांपल दे दीजिए और पेपर में कह दे कि निम्नलिखित यौगिकों को विलयता के घटते या बढ़ते क्रम में लिखे, पूछ ले कि सबसे ज्यादा विलयता किसकी होती है, सबसे कम विलयता किसकी होती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि देखो सोलिबिलिटी का जो क्रम है वो क्या है, अनुभार की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, जिसका अनुभार बढ़ेगा यानी कि एल्किल समूह का आकार बढ़ता जा रहा है, एल्किल समूह का आकार बढ़ेगा तो विलयता का मान क्या हो जाएगा, कम। तो देखो यहां से सबसे ज्यादा विलयता किसकी हो जाएगी, इसकी, फिर किसकी हो जाएगी, फिर इसकी। लेकिन समावी एल्कोहलों में पार्श्व श्रृंखला का मतलब होता है सबस्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी। समावी एल्कोहलों में यदि पार्श्व श्रृंखला का मान बढ़ता है तो विलयता का मान क्या होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो मान है वो कम होने लग जाता है। यदि आपके पास आइसोमेरिक एल्कोहल है और उस आइसोमेरिक एल्कोहल में यदि पार्श्व श्रृंखला आपकी बढ़ रही है, पार्श्व श्रृंखला बढ़ेगी तो सोलिबिलिटी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान क्या हो जाता है, कम। जैसे मैंने समावी एल्कोहल में बात दूसरा एग्जांपल लिया यहां पे टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल, मैंने लिया यहां पे CH3CH3OH, इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल। इस टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल दूसरा मैंने इसी को लिख दिया आइसोमेरिक फॉर्म में CH3CH2CH CH3OH, ये भी ब्यूटिल एल्कोहल है, फिर मैंने इसको लिख दिया CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH2CH2OH, वो भी आपका ब्यूटिल एल्कोहल है। तो देखो यहां पे ये वाला जो आपका नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल है उसमें कोई यहाँ पे पार्श्व श्रृंखला बन रही है, नहीं बन रही। यहाँ पे देखो एल्कोहल का जो यहाँ पे क्या है, ब्रांचिंग हो रही है, यहाँ पे देखो एल्कोहल है, यहाँ पे ब्रांचिंग, मतलब यहाँ पे क्या है कि पार्श्व श्रृंखला का मान बढ़ने से विलयता का मान क्या हो जाता है, बढ़ने लग जाता है, क्योंकि वजह क्या है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान क्या होने लग जाता है, तो सबसे ज्यादा विलयता किसकी होगी, इसकी, और फिर किसकी होगी, इसकी, और सबसे कम किसकी होगी। तो ये है आपका समावी एल्कोहलों में विलयता का क्रम, क्लियर है यहाँ पे विलयता। तो यहाँ पे क्या बताया विलयता में कि जो एल्कोहल हैं
वो जल में क्या होते हैं, विलयशील होते हैं, क्योंकि जल के अणु के साथ किसका निर्माण कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं। अब विलयता में क्या हुआ कि विलयता में ये बताया कि एल्किल समूह का आकार बढ़ता जाता है। देखो एल्किल समूह की संख्या बढ़ती जा रही है, तो एल्किल समूह का आकार बढ़ता जाता है तो विलयता का मान क्या होने लग जाता है, कम। लेकिन समावी एल्कोहल जो होते हैं उनमें पार्श्व श्रृंखला का मान बढ़ने से पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान क्या हो जाता है, कम, और विलयता का जो मान है बढ़ने लग जाता है। ये है आपके विलयता का क्रम। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही काफी।